रेवाड़ी से बड़ी खबर, जहां पर रोडवेज ने शुरू की चंडीगढ़ के लिए बस सेवा। अब रेवाड़ी से चंडीगढ़ के लिए रोडवेज भी जाएगी। रोहतक पंचकुला से होते हुए चंडीगढ़ तक जाएगी बस। रेवाड़ी से अलवर के लिए भी बस सेवा शुरू हो चुकी है। संक्रमण से बचने के लिए यात्रियों को निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जो बसेस कोरोना के चलते रुक गई थी, बसेस की संख्या काफी कम हो गई थी, अब उनकी बहाली शुरू हो गई है। अब रेवाड़ी से चंडीगढ़ जाने वाली रोडवेज भी शुरू की जा रही है। रेवाड़ी से अलवर जाने वाली भी रोडवेज शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में जनता के लिए जरूर काफी सहूलियत बढ़ जाएगी। संक्रमण से बचने के लिए यात्रियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और इस खबर पर जानकारी के साथ प्रेम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, ये वही बसेस हैं जो कोरोना के चलते रोक दी गई थी और अब इनकी बहाली की जा रही है, और कोरोना से बचने के लिए किस तरह के इंतजाम बसेस में नजर आ रहे हैं? जी देखो, मैं आपको बता दूं कि आप रेलवे के बाद रेवाड़ी रोडवेज ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। अनलॉक के बाद आज रेवाड़ी डिपो ने चंडीगढ़ आईएसबीटी के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया है। यह बसें रोहतक पंचकुला होती हुई चंडीगढ़ जाएगी और साथ में रेवाड़ी से अलवर राजस्थान के लिए भी बसें चलाई गई है। रेवाड़ी प्रबंधक ने आदेश दिया है कि बिना मास्क के यहाँ यात्रा नहीं कर सकते और एक बस के अंदर 30 यात्री ही बैठेंगे। बस में यात्रियों की अगर संख्या बढ़ती है तो रेवाड़ी रोडवेज बड़ा फैसला और ले सकती है कि बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जी जी बिल्कुल। लेकिन प्रेम, जो रोडवेज बसेस में अभी फिलहाल जो माहौल, जो असली तस्वीरें देखी जा रही हैं, देखिए मास्क कंपलसरी है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन कई बसेस में इस तरह का माहौल देखा जा रहा है कि कंडक्टर और ड्राइवर तक मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसे में पैसेंजर्स से तो उम्मीद दूर की बात है, तो इस चीज को कैसे श्योर किया जा रहा है रोडवेज के अंदर कि मास्क पहना जाए? चलिए प्रेम से हमारा संपर्क टूट गया है, बहरहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो रेवाड़ी से अलवर के लिए बस सेवा शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच बसेस में जिस तरह की लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, वो एक बड़े खतरे की घंटी है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।